माइनक्राफ्ट बट दे आर ए कस्टम जंप। तो गाइस आज हम खेलने वाले हैं कस्टम जंप, और कोई ऐसी वैसी जंप नहीं होने वाली, ये होने वाली एक्सक्लूसिव जंप, हाई जंप, ड्रैगन जंप और फ्लेम जंप। बहुत सारी है, देखो मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे बहुत सारी है, और एंड ड्रैगन को भी मारेंगे हम इसको करके, ठीक है। तो गाइस ये देखो पहले दिन मैं कहाँ स्पॉन होता हूँ यार, चार चार बायोमी एक साथ। ये क्या है भाई, डिजर्ट उधर, प्लेन में मैं, ओशन बगल में, ये है क्या? ओ डैमेज हो गया गाइस। चलो गाइस फटाफट से हम टूल्स बनाते हैं, और हमें पहला कस्टम जंप भी तो बनाना है, तो फटाफट से मैं अपने बेसिक टूल बना लेता हूँ। ओके इतना वुड काफ़ी है, अब बनाएंगे प्लैंक से हम क्राफ्टिंग टेबल, और क्राफ्टिंग टेबल से बना लेंगे यहाँ पर हम टूल्स। तो चलो बनाते हैं। तो ये बन गया मेरा पिकैक्स कुछ ऐसे, और ये लो गाइस बन गया। अब गाइस हमें ना यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है हमारा कस्टम जंप बनाने के लिए, ना पहला कस्टम जंप बनाने के लिए हमें चाहिए फैदर, मतलब सभी जंप के लिए चाहिए वैसे फैदर, तो फैदर हम इकट्ठा कर लेंगे। उससे पहले चाहिए पहला कस्टम जंप बनाने के लिए कोबल स्टोन, तो कोबल स्टोन में फटाफट से इधर ही से माइन कर लेता हूँ, क्योंकि दूर जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही मिल जाएगा। जी देखो गाइस कोबल स्टोन मिल गया। अब गाइस हमें कोबल स्टोन तो मिल गया, अब गाइस यहाँ पर ना फैदर इकट्ठा करते हैं। तो चलो चिकन ढूंढते हैं। ऑल राइट गाइस मिल गया, कितना प्यारा चिकन है, देख रहे हो कितना भोला भाला। ओ लो 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 लो, इसको मारना पड़ेगा गाइस, क्या करें। चलो गाइस बहुत सारे मार लेते हैं यहाँ पर, और मारने के बाद गाइस काऊ भी मार दी मैंने। ओके गाइस देखते हैं अब कितना सारा चिकन हो गया मेरे पास। ओके फैदर देखते हैं। ओ गाइस ओके बहुत सारा हो गया, नौ तो हो गए। चलो बनाते हैं अपना पहला कस्टम जंप। वो पहला कस्टम जंप बनाने के लिए गाइस हमें लगाना है कोबल स्टोन कुछ इस तरह से, और एक फैदर लगाना है बीच में, तो ये बन जाएगा हमारा स्मैशिंग जंप। देखो बन गया, ये बन गया, और इसमें लिखा है लॉन्च नियर बाय मॉब एंड यू जंप, तो ट्राई करते हैं गाइस। चलो इसको देखते हैं। ओके गाइस बन तो गया, चेक करूँ गया। ओके देखो गाइस अभी मैं जंप करूंगा। ओ ये क्या हुआ गाइस, ये देखो, अबे गाइस जब भी मैं जंप कर रहा हूँ तो मेरे आसपास के जो मॉब है वो हवा में उड़ जा रहे हैं। ओ भाई ये तो मस्त कस्टम जंप है गाइस, ये देखो। ओ भाई साहब गाइस इसको ट्राई करते हैं विलेज पे। तो चलो गाइस यहाँ पर ना विलेज चलते हैं फटाफट से। गाइस मेरे बगल में ही ना डिजर्ट था ना, तो यहाँ पर देखो मुझे विलेज भी मिल गया, ये रहा। तो गाइस अब यहाँ पर ट्राई करते हैं इस पावर को, ये देखो। ओ ये देखो गाइस इसने विलेजर को उड़ा दिया हवा में। ओ भाई गाइस पर आयरन गोलम का। ओ ये देखो भाई इसने सारे, अरे पर मैंने इन सारे विलेजर को क्यों मारा, इन्होंने तो मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं गाइस, अभी मैं तो यहाँ पर विलेज पे तो आ गया हूँ, लूट वूट कर लेते हैं, और खाना तो मिल ही गया है, और यहाँ पर मुझे सोने का भी काम बन गया, टेंशन नहीं। तो गाइस चलते हैं अभी यहाँ पर आयरन गोलम के पास, ये रहा देखो गाइस आयरन गोलम। ओ ये देखो भाई आयरन गोलम को चाल रहा हूँ मैं, ये देखो गाइस ये क्या चीज़ है, पर ये मर को नहीं रहा, ये और मॉब की तरह नहीं मर रहा, क्योंकि ये पावरफुल होता है ना, तो उसको लगता है मुझे नॉर्मली मारना पड़ेगा। चलो गाइस फटाफट से इसको मार देता हूँ मैं। ओ मर मर, ओके कितना आयरन दिया इसने, अच्छा ही दिया ना मुझे। ओके ओ पाँच आयरन मिल गया, लक अच्छा है यार मेरा। तो गाइस रात हो गई है, और हमें चाहिए अब क्रीपर। ओ क्रीपर इसलिए चाहिए गाइस, देखो हमारा नेक्स्ट कस्टम जंप है, गन पाउडर चाहिए और फैदर, फैदर तो है तो गन पाउडर नहीं है, तो क्रीपर से मिलेगा, और रात हो रही है तो चलो क्रीपर को ढूंढते हैं। ये देखो गाइस मुझे आगे क्रीपर ही मिल गया, तीन तीन क्रीपर, और ये स्केलेटन मुझे मारने चला, देखो ये खुद ही हवा में उड़ गया गाइस, मैं जंप कर गया ना तो मेरी स्मैशिंग पावर से उड़ गए सारे। देखो गाइस ये देखो गाइस मैं क्रीपर को कितनी आसानी से मार दूंगा, आप देखना। ये देखो भाई लो गाइस हमें गन पाउडर भी मिल जाएगा, ये लो भाई मैं रात को अच्छे से सरवाइव कर सकता हूँ बिना डरे, मेरे पर इतनी अच्छी पावर है ना गाइस क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें। तो गाइस अभी देखो मुझे गन पाउडर तो मिल गया, और रात हो रही है, तो फटाफट से हम विलेज पे जाके सो जाते हैं, और उसके बाद हम सुबह बनाएंगे कस्टम जंप। तो यहाँ पर सो जाता हूँ। ओके गाइस सुबह हो गई है, अब बनाने वाले हम कस्टम जंप, तो बनाते हैं एक्सप्लोसिव जंप, ठीक है। तो यहाँ पर लगाया मैंने क्राफ्टिंग टेबल, और ये लगाया मैंने दो गन पाउडर, और उसके बाद एक फैदर, तो ये बन गया गाइस हमारा एक्सप्लोसिव जंप। तो गाइस इसको ट्राई करते हैं, तो चलो ट्राई करते हैं एक मिनट, देखते हैं गाइस जंप कर क्या। ओ ये देखो गाइस, ओ भाई कितना ओपी है ये, देखो गाइस जहाँ पर भी मैं जंप कर रहा हूँ ना वो ब्लास्ट हो जा रहा है भाई, ये TNT जैसा है, तभी इसका नाम एक्सप्लोसिव जंप है, ये देख रहे हो गाइस। पर यार एक मिनट ये तो प्रॉब्लम हो गई यार मेरे लिए गाइस, जैसे मैं जंप कर रहा हूँ ना तो यार ये तो मैं चल भी नहीं पाऊंगा आगे तक, ये तो मुझे गड्ढे में डाल देगा, बाहर कैसे निकलूंगा। ओ यार दिक्कत हो गई गाइस ये तो। ओके गाइस एक मिनट रुको, जंप नहीं करनी मुझे, बाहर निकलना पड़ेगा। ओ ये तो फिर से जंप कर रहा है, एक मिनट गाइस रुको, मुझे ना क्राउच होके जंप करना पड़ रहा है, देख रहे हो गाइस कैसे दिन आ गए, मुझे बैठ के जंप करना पड़ रहा है क्राउच होके। तो निकलता हूँ गाइस यहाँ से, बहुत मुश्किल है,
ओके गाइज, इसको डीएक्टिवेट करने के लिए मुझे एक स्विच टूल बनाना पड़ेगा जो इसके अंदर है, तो फटाफट से बनाते हैं। मेरे पास उसके लिए यहाँ पर ना सब चीज़ है। तो देखो, क्राफ्टिंग टेबल और यहाँ पर कुछ ऐसे लेदर बनाना है, तो लेदर का बूट बना लिया मैंने। और उसके बाद गाइज हमें यहाँ पर ना दो फैदर ऐसे लगाने हैं, और उसके बाद हमें ना बूट लगाना है देखो यहाँ पर ऐसे, और ये बन गया हमारा स्विच। तो गाइज इससे हम ना पावर को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। देखो अभी एक्टिवेट है ना, तो हमें क्या करना है अभी ना राइट क्लिक करके इसको डीएक्टिवेट कर देना है, और हम इससे ना अलग अलग पावर को एक्टिवेट कर सकते हैं जब मर्जी। तो ये तो सही है गाइज, ये बढ़िया है। चलो गाइज अब नेक्स्ट बनाते हैं हमारा कस्टम जंप जो कि होने वाला, देखते हैं गाइज। यहाँ पर बनाएंगे हीलिंग जंप, ये देखो। और इसके लिए गाइज हमें चाहिए यहाँ पर स्टिक, तो यहाँ पर मैंने काओ को तो मारा था, तो मेरे पास सारी चीज़ें हैं। तो फटाफट से यहाँ पर मैं फर्नेस लगाता हूँ, और रो बीफ को डालता हूँ यहाँ पर, और प्लैंक को इसको पका के, और स्टिक ले लेता हूँ। तो मेरे पास स्टिक भी हो गई है। अब गाइज फटाफट से इसको क्राफ्ट कर लेते हैं। तो ये दो स्टिक ऐसे लगानी है, और एक फैदर ऐसे, और ये बन गया हमारा हीलिंग जंप। देखा गाइज कितना सिंपल है। ओके, इसको ट्राई कर लेते हैं अब। देखो सिंपल तो हो गया, बट ट्राई करके देखिए कहाँ करे गाइज, एक बार जंप करे। ओ गाइज ये देखो हीलिंग हो रही है। ओ भाई ये तो बड़ा कमाल का है। एक मिनट, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। कैक्टस मार ले, मार मुझे, मार, मैं अमर हूँ, अमर। ये देख, मैं जब भी जंप करूँगा गाइज, ये तो मस्त है गाइज। इसे एंडर ड्रैगन को मारने में मजा आएगा, क्योंकि वो मार ही नहीं पाएगा। ये देखो गाइज, ये देखो, कोई नहीं मार सकता मुझे, कितनी मस्त पावर है। तो गाइज अभी ना हम नेक्स्ट क्राफ्ट करेंगे, नेक्स्ट कस्टम जंप जो कि हमारा माइनिंग जंप, और इसको भी मैं गाइज फटाफट से बना सकता हूँ। इसके लिए हमें चाहिए आयरन की पिकैक्स। तो गाइज फटाफट से मैं यहाँ पर आयरन की पिकैक्स बना लेता हूँ, और मेरे पास ऑलरेडी आयरन था, तो मैंने बना ली आयरन की पिकैक्स। अब गाइज यहाँ पर ना दो फैदर ऐसे लगाने हैं, और आयरन की पिकैक्स को बीच में रखना है। तो ये बन गया हमारा माइनिंग जंप। यहाँ पर हम माइनिंग जंप को टेस्ट करेंगे। उससे पहले गाइज यहाँ पर मैं क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस को हटा देता हूँ, अगर कुछ घपला हो गया ना तो हमारा सारा सामान चले जाएगा। तो ओके गाइज हटा दिया। अब गाइज माइनिंग जंप को टेस्ट करने के लिए मुझे जंप करना है, यहाँ पर मैं जंप करूंगा। ओके, ओ गाइज ये देखो माइन कर रहा है ये। ओ भाई ये देखो कितनी जल्दी माइनिंग कर सकते हैं इससे, इसका नाम माइनिंग जंप है ना। ओके गाइज यहाँ पर हम डायमंड ढूंढते हैं। चलो वैसे डायमंड तो मिलेगा नहीं, पर तब भी ट्राई करते हैं गाइज। चलो ओके, वो ये कहाँ आ गया मैं, इतने सारे क्रीपर ज़ॉम्बी, भागो। ओ भाई वन हिट कर दिया गाइज मुझे। अरे भागो 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 भागो, ओ पावर चेंज करो गाइज। हीलिंग जंप, हीलिंग जंप, हीलिंग जंप। ओके ओके, हीलिंग कहाँ है, हीलिंग कहाँ है। ओ ये क्या एक्सप्लोसिव लग गई गाइज। ओ भाई हीलिंग, हीलिंग, ओके हीलिंग लग गई। ओके जंप कर रहा हूँ। अरे हीलिंग को नहीं हो रही, अरे हीलिंग को नहीं हो रही भाई, भागो। ओ भाई पानी में हीलिंग नहीं हो रही थी। भाग बेटा बेटा, जंप 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 कर, जंप कर, जंप कर। ओ भाई हीलिंग हो गई, हीलिंग हो गई गाइज। गाइज पानी में तो इस्तेमाल ही नहीं हो रही थी पावर, हीलिंग जंप। ओ भाई कितनी मुश्किल से बचा गाइज मैं। हो कितने सारे क्रीपर थे ना, तो मैं तो मर जाता। चलो पावर चेंज कर लेते हैं। ओके नॉर्मल, ओ एक्सक्लूसिव लग गई। एक मिनट, ओ इंटरमैन आ गया। ओ भाई ये क्या है भाई, जंप कर। ओ थैंक गॉड मार दिया गाइस, मार दिया। इतनी खतरनाक कैब है, मुझे नहीं रहना इधर, मेरे पास आर्मर भी नहीं है, बाद में ढूंढ लूंगा डायमंड। गाइस यहां से मैं निकलता हूं और तुमसे मिलता हूं नेक्स्ट कस्टम जंप को मिलाते। फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो नेक्स्ट हमारा जो कस्टम जंप है वो है हमारा हाई जंप, और हाई जंप बनाने के लिए हमें दो फैदर और रैबिट का फूड चाहिए। फैदर तो है, पर रैबिट का फूड मिलना तो बड़ा मुश्किल है, और मैं डेजर्ट पे हूँ तो रैबिट तो मिल जाना चाहिए, पर 100 में से 10% चांस है रैबिट का फूड मिलना। तो ढूंढते हैं गाइस। ओके ये रहा, दिया क्या इसने, एक मिनट ट्राई करते हैं। अरे किस्मत फूटी है गाइस, ये तो दे ही नहीं रहा। ये रहा एक और, इसको मार दे। अरे रुक, अरे रुक भाई रुक, कहाँ जा रहा है, रुक जा। इसने दिया क्या, एक मिनट। अरे गाइस इसने भी नहीं दिया गाइस, बहुत सारे मारने पड़ रहे हैं ये लग रहा है। ये लो मार देता हूँ गाइस। ओके ये लास्ट है, ये दे देना चाहिए। ओके दे दिया गाइस। ये देखो इतने सारे 11 मारने के बाद मुझे मिला यार, देख रहे हो कितना मुश्किल होता है यार। चलो बनाते हैं रेसिपी। क्राफ्टिंग टेबल प्लेस किया, दो फैदर लगाए, और इधर लगाया हमने रैबिट फूड बीच में। तो ये बन गया हमारा हाई जंप। तो ओके गाइस हाई जंप बन चुका है, अब इसको ट्राई करते हैं। ओके तो ट्राई करके देखते हैं गाइस यहाँ पर। ओ ये क्या है, पर यार ये क्या है, ये कैसी जंप है भाई, ये सिर्फ जंप कर रहा है गाइस, ये किस बात की हाई जंप है, ये तो यार मेरी नॉर्मल जंप से भी अच्छा नहीं है यार, इतना घटिया है गाइस। और ये देखो गाइस पीछे टेंपल मिल गया यार। ओ भाई रैबिट को मारते मारते देखो मुझे टेंपल भी मिल गया। अब गाइस अब आएगा ना मजा। चलो गाइस अंदर चलते हैं फटाफट से, और यहाँ पर लूट करते हैं। चलो ऑल राइट, इसको तोड़ा जाए। ओके चेस्ट में क्या है देखते हैं। ओ गोल्डन एप्पल भाई, मजा आ गया। ओके गाइस इसमें क्या है, इसमें आयरन है। ओके तीन आयरन है, ले लेते हैं, तो इसका भी कोई काम तो नहीं है बाकी। ओके और देखते हैं, ये तो कोई काम का नहीं है हमारा। चलो हटाओ, ये देखो गाइस डायमंड, और भाई गोल्ड,
गाइस सब चीज ले लेते हैं फटाफट, सामान फालतू का सामान हटाते हैं और यहाँ से सब चीज ले लेते हैं फटाफट से। ओके गाइस मजा आ गया भाई, ये तो सारा सामान मिल गया हमें, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं अब। ओके ओ ये क्या, ये स्पाइडर कहाँ से आ गई? अबे पर इससे डर क्यों रहा हूँ मैं, चलट चलट बिना परमिशन के अंदर आती है तू। रुक जा अभी बताता हूँ तुझे, एक्सक्लूसिव जंप करता हूँ, रुक। ये ले मर गाइस, ये देखो भाई साहब मार दिया गाइस इसको मैंने। चलो गाइस यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और हम यहाँ पर नेक्स्ट कस्टम जंप भी तो बनाना है हमें, तो चलो बाहर निकलते हैं यहाँ से। ऐसे मैं बाहर तो आ गया हूँ बट यहाँ पर रात हो गई है गाइस, चलो यहाँ पर हम जल्दी से सो जाते हैं बेड लगा के, चलो सोया जाए। और गाइस यहाँ पर सुबह भी हो गई है, तो गाइस अब नेक्स्ट कस्टम जंप बनाएंगे तो उसकी रेसिपी देख लेते हैं, मुझे याद नहीं है। तो नेक्स्ट कस्टम जंप बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मेटेशन बनाते हैं गाइस, ये देखो ये रहा। और इसके लिए मुझे आयरन की पिकैक्स चाहिए, जो कि मेरे पास आयरन है सब चीज़ है, तो फटाफट से आयरन की पिकैक्स बना लेते हैं। ये लो गाइस आयरन की पिकैक्स, और यहाँ पर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन बना लेना है, तो ये बन गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जंप। देखते हैं गाइस ये क्या करता है। यहाँ पर मैं जंप करके देखता हूँ तो भाई यहाँ पर जंप करने पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, किस बात का ट्रांसफॉर्मेशन जंप है ये। तो गाइस मुझे लगता है इसको कैब में ट्राई करना पड़ेगा, तो मैं कैब में तो आ गया हूँ, तो एक बार जंप करके ओह ये देखो कॉल हो गया भाई, पूरा स्टोन कॉल हो गया। एक और जंप करने पर आयरन बन गया भाई, एक और जंप करता हूँ, ओ ये क्या गोल्ड बन गया गाइस, ये देखो एक और जंप, और ये डायमंड, ओ भाई डायमंड बन गया। एक मिनट इसको तोड़ लेते हैं गाइस एक्सप्लोसिव जंप करके, तो पटापट से ओ ये लो गाइस, और ये देखो गाइस एक स्टैक एक ही बारी में आ गया यार, ये क्या है भाई साहब, इतना अमीर हो गया गाइस मैं, देखो भाई। फिर से गाइस जंप करते हैं और ये लो गाइस कितना सारा डायमंड मेरे पास हो गया गाइस। अब यहाँ पर हम ना आर्मर भी बना पाएंगे जो एंडर ड्रैगन को मारने में हमारी मदद करेगा, तो गाइस यहाँ पर एक और जंप करते हैं फटाफट से, इसको दोबारा से डायमंड बना देते हैं ये देखो, और गाइस एक्सप्लोसिव जंप करके ना इन सबको तोड़ देते हैं ये। अरे माइनिंग लग गया भाई, कोई बात नहीं माइनिंग में तो वही काम कर रहा है, सिंपल है। तो दोबारा करते हैं, ये क्या है, ओके लग गया गाइस, एक मिनट, हाँ डायमंड फिर से तोड़ दें गाइस, एक मिनट। वैसे तो स्टैक बहुत सारे हो गए गाइस, ये देखो आर्मर के लिए तो काफी है यार इतना। चलो गाइस मैं आर्मर वार्मर बना के तुमसे मिलता हूँ फटाफट। ऑलराइट गाइस यहाँ पर मैंने सब चीज आर्मर वगैरह तो बना लिया है, अब गाइस हम नेक्स्ट रेसिपी देखेंगे हमारी कस्टम जंप की, तो वो है टेलीपोर्टेशन, जिसके लिए हमें दो एंडर पर्ल और फेदर चाहिए, और ऑलरेडी मेरे पास एंडर पर्ल है क्योंकि मैंने एंडरमैन को मारा था ना, तो टेलीपोर्टेशन जंप निकाल लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारा टेलीपोर्टेशन जंप बन चुका है, तो देखते हैं गाइस इससे क्या होगा। वैसे नॉर्मल जंप करने से तो कुछ हो नहीं रहा, तो ये टेलीपोर्टेशन है ना, तो वो देखो वो रहा रिंस, तो वहाँ पर एम करके जंप करते हैं। ओके ओ गाइस रिंस पोर्टल के पास आ गया मैं, देखो भाई ये टेलीपोर्टेशन है भाई, एंडरमैन का काम कर रहा है ये तो बहुत काम आने वाला है हमारे गाइस। ओ एक मिनट ये क्या हो रहा है गाइस, मैं तो नॉर्मल जंप नहीं कर पा रहा, और ये क्या फंस रहा हूँ मैं बार बार, ओए मर जाऊंगा, अबे बाहर निकल, ओ बाहर निकल गया गाइस, अबे 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 डीएक्टिवेट करना है इसको, बाहर निकलना पड़ेगा गाइस पहले तो मुझे। अबे गाइस ये हो क्या रहा है, अबे ये कहाँ गया मैं, ये कहाँ गया, ये कहाँ टेलीपोर्ट कर दिया इसने मुझे गाइस। इसको पहले सबसे पहले डीएक्टिवेट करना होगा, ना तो मैं मर जाऊंगा ना, तो एंडर ड्रैगन को मार नहीं पाऊंगा गाइस, सारा गेम खत्म हो जाएगा। ओके नॉर्मल जंप हो गया गाइस, हाँ आप सही है गाइस, ये कहाँ टेलीपोर्ट कर दिया इसने मुझे, अरे बाप रे भाई कितनी मुश्किल से बचा मैं। तो चलो गाइस यहाँ पर ना नेक्स्ट रेसिपी बनाते हैं, देख लेते हैं। और नेक्स्ट रेसिपी हमारी, ओ यार इसके लिए हमें ब्लेज पाउडर चाहिए, तो इसके लिए हमें नेदर पर जाना होगा, और ये फ्लेम जंप के लिए, तो क्राफ्टिंग टेबल उठाते हैं और चलते हैं गाइस। मैं यहाँ पर ऑब्सिडियन इकट्ठा कर लेता हूँ। ओके गाइस यहाँ पर मैंने ना ऑब्सिडियन ले लिया, यहाँ पर रिंस पोर्टल था ना इसी को तोड़ के मैंने ऑब्सिडियन बना लिया है, तो गाइस इसको फटाफट से एक्टिव करते हैं और यहाँ से चलते हैं नेदर। तो ऑलरेडी एक्टिव कर दिया, अब चलते हैं नेदर। ओके तो गाइस मैं यहाँ पर बायोमी में आ गया, ओ ये तो गलत आ गया, मुझे फोर्ट्रेस जाना है, और गाइस फोर्ट्रेस मिलता नहीं है गाइस, थोड़ी देर में मिलता हूँ तुम्हें। A few moments later. ओके गाइस मुझे फोर्ट्रेस मिल चुका है, और भाई इन्होंने अटैक करना भी स्टार्ट कर दिया मेरे पे, अरे यार मुझे लगता है एक्सप्लोसिव जंप करना पड़ेगा। ये लो गाइस मारो इनको, तो इतनी आसानी से मार दूंगा गाइस, देखो ये रे विदर भी, इनको भी मार दे गाइस। चलो ये लो गाइस, अभी हमें ब्लेज नहीं मिला, अरे ब्लेज दे चल मुझे दे, इनको भी मारते गाइस, बहुत सारे ब्लेज मार देते हैं जिससे हमें बहुत सारा ब्लेज मिल जाए। ओके गाइस बहुत सारा, ये लास्ट हमारा, देखते हैं गाइस इससे कितना ब्लेज मिलता है हमें। ओके बहुत सारे मार दिए वैसे तो, ओके देख लेते हैं। ओके गाइस 11 हो गया, काफ़ी है, चलो निकलते हैं यहाँ से। और निकलते निकलते गाइस यहाँ से ना मुझे एंडरमैन को भी मारना होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होल्ड जाने के लिए मुझे एंडर आई भी चाहिए ना, तो इनको मार देते हैं। ओके कितना हो गया देख लेते हैं जरा हमारा एंडर पल। ओके गाइस काफ़ी हो गया यार, 15 है, काफ़ी है गाइस इतना। चलते हैं घर, अब चलते हैं गाइस घर, चलो तो घर के लिए पोर्टल बनाए। ओके गाइस आ गया मैं, तो यहाँ पर अब बनाएंगे हम कस्टम जंप, जो कि हमारा ब्लेज पाउडर से बनेगा। तो यहाँ पर ब्लेज का बनाया ब्लेज पाउडर, और ये देखो हमने ऐसे लगाया ऐसे, और ये ब्लेज पाउडर और फेदर और फ्लिंट एंड स्टील, और ये बन गया हमारा फ्लेम जंप। तो गाइज अब यहाँ पर ना जंप करके देखते हैं, ओह
गाइस ये देखो फ्लेम निकल रहा है इससे, ये देखो भाई ये है क्या। ओके क्राफ्टिंग टेबल हटाते हैं। और गाइस इसका तो कोई इस्तेमाल ही नहीं है वैसे, मतलब फालतू का, ये तो कोई मर ही नहीं रहा इससे। हमारा अब लास्ट कस्टम जंप बचा है जो कि है ड्रैगन जंप, और उसके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड जाना होगा एंडर ड्रैगन को मारने। तो सबसे पहले रेसिपी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा एंडर पल और ब्लेच पाउडर से एंडर आई, जिससे हम स्ट्रॉन्ग होल्ड जा सके। तो ये तो बन गया। अब गाइस हमें ड्रैगन जंप बनाने के लिए ना हमें ग्लास और बोतल चाहिए, जो कि उसके लिए मेरे पे रेसिपी है। तो गाइस यहाँ पर मैं रखूंगा फर्नेस, और यहाँ पर डालूंगा सैंड, और यहाँ डालूंगा प्लैंक। तो सैंड से हमारा बन जाएगा गिलास। देखो बन गया ना गिलास। अब गाइस हमें क्या करना है, गिलास से बनाना है बोतल। तो गिलास को ऐसे, तीन गिलास को ऐसे रखेंगे, और ये हमारी बन गई बोतल। अब इसका लेंगे हम ड्रैगन ब्रीथ। तो ये बोतल इसी काम के लिए आने वाली है। तो चलो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड चलते हैं, और मिलता हूँ मैं तुमसे। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड तो मिल गया गाइस, ये रहा गाइस यहाँ पर है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर मुझे जंप करनी है। ओके एक्सप्लोसिव जंप नहीं, माइनिंग जंप रख दें गाइस। चलो 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 चलो। ओके गाइस मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड तो आ गया हूँ, तो रास्ता ढूंढते हैं गाइस। मेरे ख्याल से यहाँ पर है। ओके चलते हैं, रास्ता मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा। ओके ओ मिल गया गाइस, मिल गया। ओके ओ ये क्या हुआ, इसके अंदर कैसे आ गया मैं, गड्ढा कैसे हो गया। अच्छा माइनिंग जंप पे था। ओके गाइस हाई जंप करते हैं और ऊपर आते हैं, और स्पॉनर को तोड़ देते हैं ना तो दिक्कत हो जाएगी हमें। तो तोड़ दिया गाइस। ओके चलो फटाफट से एंडर आई लगाई जाए यहाँ पर, और चला जाए अंदर एंडर पोर्टल के। तो यहाँ पर मैंने बना दी, और दो आई तो ऑलरेडी लगी थी। चलो गाइस अब चलते हैं एंडर ड्रैगन की कुटाई करने। ओके गाइस यहाँ पर आ जाओ, बिल्कुल बेस्ट जगह पे स्पॉन हुआ भाई, ये देखो। ओ कितनी जल्दी आ गया। ओके गाइस मुझे अपना ड्रैगन का ब्रिज चाहिए कस्टम जंप बनाने के लिए ना। बेटा एंडर ड्रैगन थूक थूको गाइस, थूक दिया इसने। चलो उठा लिया जाए। ओ ये क्या, अरे मेरी एक बोतल, दो बोतल गिर गई, ये कैसा ग्लिच है। बोट उठा उठा ब्रेथ उठा। ओके उठा लिया गाइस, इसने बोतल में उठा लिया थूक। अब गाइस यहाँ पर हम कस्टम जंप बनाएंगे ड्रैगन का। तो ये मैंने क्राफ्टिंग टेबल लगाई, और यहाँ पर मेरे इंडर आई लगने वाली है दो, और ये ड्रैगन का ब्रेथ, और ये बन गया मेरा कस्टम जंप। अरे ये जंप मिला, ये क्या मिला। अबे गाइस ये देखो गन मिली जंप के नाम पे, ये क्या है, ये ड्रैगन जंप नहीं है भाई, ये तो ड्रैगन गन है यार। गाइस को चला के देखते। ओ गाइस ये देखो, ये ले बेटा मार मार, कितनी मस्त गन है गाइस। अरे इससे तो कितनी जल्दी मार दूंगा मैं एंडर ड्रैगन को यार। गाइस ये देखो, चलो इसको फोड़ते हैं गाइस, जल्दी जल्दी मार देते हैं। ये देखो कितनी फटाफट से मार दे रहा हूँ, कितनी पावरफुल गन है गाइस ये। ये देखो ये ले, ये मार भाई। गाइस अभी और बचा, और खत्म गाइस। चंद सेकंड में मैंने एंडर ड्रैगन को मार दिया। अबे भाई कितनी जल्दी मार दिया यार, यार उससे तो अभी लड़ने का मौका भी नहीं मिला। तू भी मर, ये ले तू भी मर। गाइस ये खत्म कर दिया, कितना मजा आया गाइस, ये तो मस्त था गाइस। ये कैसी गन है, मेरा थोपड़ा भी नहीं दिख रहा तुम्हें तो यार। ओ गाइस कितना मजा आया ना। तो बाकी यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। बाकी यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।